नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौर। हाल ही में ब्रिटिश अखबार द गार्जियन ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिसमें गार्जियन ने साफ तौर पर भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय से खुफिया एजेंसी रॉ को विदेशों में आतंकवादियों का अंत करने के ऑर्डर्स मिलते हैं ऐसा लिखा हुआ था, जिसके चलते रॉ ने पाकिस्तान में 20 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया था। इस रिपोर्ट के बाद खासा विवाद भी हुआ। अब इस मामले में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बयान जारी किया है। बयान क्या, रक्षा मंत्री ने पूरे पाकिस्तान को ही दो टूक कह दिया है कि अगर भारत की शांति भंग करने की कोशिश की तो आतंकवादियों को पाकिस्तान के अंदर घुस कर मारा जाएगा। उन्होंने न्यूज 18 को दिए गए एक इंटरव्यू में भारत की अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर बयान दिया और पाकिस्तान पर जमकर बरसे। रक्षा मंत्री ने कहा, अगर कोई आतंकवादी देश की शांति भंग करने की कोशिश करेगा तो हम उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। अगर वे पाकिस्तान वापस भागेंगे तो उनको हम पाकिस्तान में घुस कर मारेंगे। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने जो भी कहा है वो बिल्कुल सच है। भारत कितना शक्तिशाली है ये पाकिस्तान भी समझने लगा है। भारत अपने सभी पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने का इरादा रखता है। भारत ने कभी किसी देश पर हमला नहीं किया। हमने कभी भी किसी देश पर हमला नहीं किया है या फिर उनके क्षेत्र पर कब्जा करने की कोशिश नहीं की है। लेकिन अगर कोई भारत या फिर उसकी शांति को खतरा पहुंचाता है तो उन्हें किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। द गार्जियन की रिपोर्ट पर जब रक्षा मंत्री से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अगर पड़ोसी देश के आतंकवादी भारत में शांति भंग करने की कोशिश करेंगे या भारत में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश करेंगे तो हम उन्हें मुंहतोड़ जवाब देंगे। कोई भी आतंकवादी भारत को परेशान करेगा और अगर किसी भी तरह की हरकत करेगा तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ये नया भारत है। यानी साफ है कि रक्षा मंत्री ने गार्जियन की रिपोर्ट को सीधे तौर पर नकारा तो नहीं है, बल्कि उस रिपोर्ट पर भारत की एक प्रतिक्रिया रखी है। उन्होंने कहा कि हमारा इतिहास देखो, हमने किसी भी देश पर हमला नहीं किया या किसी अन्य देश के क्षेत्र का एक इंच भी कब्जा नहीं किया। ये भारत का चरित्र है। अगर कोई हमारी धरती पर आतंक फैलाकर भारत को डराने की कोशिश करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। वहीं पीओके जो दशकों से एक अहम मुद्दा रहा है, गृहमंत्री अमित शाह भी कई बार ये कह चुके हैं कि पीओके भारत का हिस्सा है। इस मामले में रक्षा मंत्री ने कहा, आश्वस्त रहें कि पीओके के लोग खुद मांग करेंगे कि वे भारत के साथ आना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि वहां कुछ प्रदर्शन हुए थे क्योंकि वे भारत में विलय करना चाहते हैं। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद कश्मीर में सामान्य स्थिति लौट आई है और विकास तेजी से हुआ है। यानी साफ तौर पर रक्षा मंत्री ने भारत की जमकर तारीफ की और ये कहने की कोशिश की है कि ये नया भारत है, ये किसी भी हाल में किसी के भी आगे घुटने नहीं टेकेगा और चुप नहीं रहेगा। और इस मामले में रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को भी साफ तौर पर दो टूक दे दी है। आपको बता दें कि भारत में जिस तरीके से चुनावी मौसम है और ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से जो आतंकवादी हैं वो भारत की शांति भंग करने की कोशिश करते रहते हैं और विपक्ष इस मुद्दे को अक्सर भुनाने की कोशिश करता भी रहा है। लेकिन अब इस मामले में रक्षा मंत्री ने जो बयान दिया है उस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। VK News, राष्ट्र के नाम।